पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर जहां कांग्रेस नेताओं द्वारा बधाई दी जा रही है, वहीं शिमला शहरी कांग्रेस द्वारा कैंसर अस्पताल में फल और जूस वितरित कर उनका जन्मदिन मनाया गया और उनके दीर्घायु की कामना की गई। इस मौके पर शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, प्रदेश कांग्रेस के सचिव सुशांत कंपरेट भी मौजूद रहे। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि आज महबूब नेता आनंद शर्मा का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर कैंसर अस्पताल में मरीजों को फल और जूस वितरित कर उनकी दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य की कामना की गई है। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और प्रदेश को कई सौगातें दी है, जिसमें शिमला में पासपोर्ट कार्यालय शामिल है। बता दें, आनंद शर्मा यूपी सरकार में केंद्र में वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं। आनंद शर्मा शिमला से संबंध रखते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में उनका ऊंचा कद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सूची में वे शामिल हैं। हिमाचल में उनके करीबियों की संख्या भी कम नहीं है। पूर्व कांग्रेसी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, वर्तमान अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पौल सिंह ठाकुर सहित कई प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के करीबी माने जाते हैं। हमारे परम आदरणीय महबूब नेता श्री आनंद शर्मा जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष में आज हमने कैंसर हॉस्पिटल में जो यहाँ मरीज हैं उन्हें फ्रूट्स और जूस बांटे हैं। देखिए, हम भगवान से कामना करते हैं कि उन्हें दीर्घायु प्राप्त करें और आने वाले वक्त में, जैसा कि आनंद शर्मा जी ने आज तक इस कंट्री को दिया है, कई मंत्रालय उनके पास रहे हैं, हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में भी वो इसी तरह लोगों के लिए सेवा करते रहें और परमात्मा उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। देखिए, आनंद शर्मा जी, आपको जैसे पता ही है, शिमला से संबंध रखते हैं और जिस जिस मंत्रालय में वो रहे, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री में रहे, तो जो हिमाचल प्रदेश में पासपोर्ट ऑफिस हैं, चाहे शिमला में है, चाहे धर्मशाला में है, चाहे सब पासपोर्ट ऑफिस खुले हैं, ये उन्हीं की देन है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें जो जब वो कॉमर्स मिनिस्टर रहे तो स्टेट को दी, जैसे फूड पार्क और कई इंडस्ट्रीज़ जो हैं इस प्रदेश को उन्होंने उपलब्ध करवाई जब वो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मंत्री रहे।